नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली थी कांग्रेस की अध्यक्षता में। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक करने वाले थे, लेकिन जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी, आज होने वाली वो बड़ी बैठक रद्द कर दी गई थी। इसको लेकर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि अब ये मीटिंग कब होगी। आपको बता दें कि ऐसी खबरें आई थी कि अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में शिरकत करने से मना कर दिया था। किन्हीं कारणोंवश तीनों ने ही इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस मीटिंग को आज कैंसिल करना पड़ा। अब सवाल ये उठ रहे थे कि ये मीटिंग अब होगी कब। इसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा खुलासा किया है। लालू प्रसाद यादव ने जानकारी दी है कि ये मीटिंग अब कब होने वाली है। आपको बता दें, लालू यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक 17 दिसंबर को होगी। मंगलवार को बक्सर के चक्की में एक निजी समारोह में शिरकत करने पहुंचे लालू यादव ने एक सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान मीडिया वालों ने जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल किए तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि यहां भी मोदी को ला दिए। हाल ही में 5 राज्यों में आए विधानसभा चुनाव परिणाम पर लालू ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजद सुप्रीमो ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे पार्टी और मजबूत होगी। लालू यादव ने कहा कि विधानसभा व लोकसभा के चुनाव में काफी भिन्नता है। विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के कुछ घटक दलों के प्रमुख नेताओं की अनुपलब्धता के चलते बुधवार को होने वाली गठबंधन की बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यह बैठक ऐसे समय होने वाली थी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के साझेदारों के साथ कोई तालमेल नहीं करके अकेले चुनाव लड़कर गलती की। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी ने सोमवार को दावा किया था कि तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस आत्ममुग्धता से पीड़ित है और उससे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपने आंतरिक कलह से निपटने का आह्वान किया। बता दें कि अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत के साथ बंपर जीत मिली थी, जिसके बाद आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली थी कांग्रेस की अध्यक्षता में। ये मीटिंग होने वाली थी तो दूसरी ओर कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन अब ये मीटिंग जो थी उसे कैंसिल कर दी गई थी। कल ही ऐसी खबरें आई थी कि इस मीटिंग को अब रद्द कर दिया गया है, कि कुछ नेताओं ने इस मीटिंग में शिरकत करने से फिलहाल मना किया था, जिसको लेकर इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद से सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि आखिर अब ये मीटिंग होगी तो होगी कब। इसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुलासा किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि 17 दिसंबर को अब ये मीटिंग होगी। आपको बता दें कि सीटों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा होने वाला था इस मीटिंग में, तो 17 दिसंबर को अगर ये मीटिंग होती है तो इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला बनता है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।